सर्व समाज आप सबकी रसोई निशुल्क भोजन वितरण एवं सामाजिक कार्य ट्रस्ट द्वारा भोजन वितरण कार्य निरंतर चलता रहता है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों वर्गों से जनप्रतिनिधि समाज सेवी प्रबुद्ध व सामान्य लोग आकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। परंतु आज रसोई परिवार का परम सौभाग्य रहा कि रसोई पर मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान से स्वयं आकर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री मोहनपुरी गोस्वामी महाराज जी के पावन चरण रसोई स्थल पर पड़े एवं उनके करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भोग लगाकर भोजन व फलों का वितरण किया गया। अध्यक्ष ऋतु विश्नोई ने बताया कि जिनके दर्शन मात्र के लिए लोग मेहंदीपुर जाते हैं और लंबी लंबी कतारों से उनके दर्शन करते हैं, उन्होंने आज स्वयं आकर हमें दर्शन दिए, हम धन्य हो गए। कोषाध्यक्ष कमल गोला ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी हमें सेवा करते हुए देखा करते थे, हमारी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर उन्होंने रसोई पर दर्शन देने का निर्णय लिया। महासचिव रवि यदुवंशी ने बताया, गुरुजी ने सबको इतना आशीर्वाद और समय दिया जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गुरुजी के साथ उनके सुपुत्र अमन गोस्वामी, बालाजी दरबार नवाबपुरा से श्री मदन गोपाल रस्तोगी, श्री प्रखर विश्नोई व श्री शिवम नजीबाबाद से आयुष्मान गुप्ता और परम भक्त निमिष रस्तोगी भी मौजूद रहे। समस्त रसोई परिवार ने गुरुदेव जी से चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही बहुत दूर से आकर लोगों ने दर्शन किए, जिसमें मुख्य रूप से संजय गुप्ता, एस के सिंह, प्रमोद गोबानिया, अमित सरीन, अनुपेंद्र सिंह, पंकज शर्मा, योगेंद्र सिंह राणा, सचिन राजपूत, अनंत एसोसिएट, सभासद हीरा भारती, सौरभ भारती सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 1000 से भी ज्यादा लोगों ने आज प्रसाद ग्रहण किया। भोजन में छोले चावल, हलवा, केले, संतरे, बिस्किट आदि का वितरण किया गया। बहुत सुंदर प्रकल्प है आपका, रसोई का जी। सेवा का ऐसा एक मार्ग है, निस्वार्थ और निष्काम भावना से सेवा की जाती है इनके द्वारा। मेरा बहुत समय दान यहाँ पर आके करते हैं और मीडिया के बंधुओं का हृदय से आभार, जो इसकी कवरेज करते हैं और समाज में जागरूकता लाने का पूरा जो एक काम कर रहे हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। ढेर सारा करणी सेना परिवार की तरफ से भी और भाजपा परिवार की तरफ से सबके रसोई परिवार के ट्रस्ट की तरफ से भी ढेर सारा साधुवाद देना चाहता हूँ सभी को। आज देखिए हमारा सौभाग्य है कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के जो महंत हैं मोहनपुरी गोस्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ है, उनका आशीर्वाद हमें मिला, तो बालाजी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री मोहनपुरी गोस्वामी जी महाराज, जो बालाजी से साक्षात हमारे इस रसोई प्रकल्प में आए हैं, तो हम सबका सौभाग्य है। और ये मुमकिन तभी हुआ जब ऋतु विश्नोई बहन हमारी और उनके साथियों ने मिलकर ये प्रकल्प कई सालों से चल रहा है, कोरोना के समय में भी ये नहीं रुके और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के द्वारा गुरु जी ने महाराज जी ने देखा वहाँ पे और वो इतने प्रभावित हुए कि एक बार रितु बहन जी को वहाँ पे बुला के उन्होंने सम्मानित भी किया, अपना आशीर्वाद भी दिया और आज उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं मुरादाबाद जब आऊँगा तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। आज प्रभु जी के चरण यहाँ पे पड़े हों, मैं ये मानता हूँ कि जिस अच्छी सोच और अच्छी मकसद अच्छे विचार के साथ ये चल रहा है, आगे ये और अच्छे से चलेगा और हमारे प्रयास रहेंगे कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए सोए नहीं। तो मैं प्रभु राम जी हनुमान जी से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु सबको खुश रखे। हम लोग लगाते हैं प्रकल्प, हमें बस इतनी खुशी होती है कि हम लोग खाना खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु कभी ऐसा समय आए कि यहाँ पे कोई खाने वाला ना मिले और हमारा ये भोजन ऐसा ही अगर रुकेगा तो हमारे शायद हमारे हृदय को इससे ज़्यादा खुशी कभी ना हो।